हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में जो है एक डर सा बैठ गया है। क्या डर बैठ गया है कि यहां पे जो हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप की जो आईडी है, क्या हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप की आईडी डिलीट हो जाएगी? बहुत सारे लोगों के मन में डर बैठ गया है। क्या हमें जो सब्सक्रिप्शन दोबारा से हमें भरना है, क्योंकि हम लोगों को पहले से एक बात बताई गई थी कि हमारी जो फाउंडिंग मेंबरशिप की जो एक वैलिडिटी है वो एक साल की है, लेकिन यहां पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि वो एक साल की वैलिडिटी जो है वो कब खत्म हो रही है, वो कब शुरू हुई थी और कब खत्म हो रही है। तो यहां पे कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, उसको भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला डर तो यह है, क्या हमारी जो सब्सक्रिप्शन, हमारी जो फाउंडिंग मेंबरशिप की आईडी है ये डिलीट हो जाएगी? क्या हमें फिर से दोबारा से सब्सक्रिप्शन भरना पड़ेगा? अगर नहीं भर पाए तो क्या होगा? तो यहां पे अगर नहीं भर पाए तो आईडी हमारी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी क्या? तो यहां पे इस टाइप के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अगर हम इसको रिन्यूअल नहीं कर पाए तो क्या होगा? अगर आपके माइंड में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर ये सवाल आपके माइंड में पिछले एक महीने से, दो महीने से, तीन महीने से या पिछले हफ्ते से जब कभी भी आपके माइंड में आना शुरू हो चुका है, ये आपका दिमाग आज पूरी तरीके से मैं साफ कर देने वाला हूं। दूसरी बात यह है, ये सवाल आते कहां से हैं, इसके बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कशन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है, कंपनी ने अपनी फाउंडिंग मेंबरशिप की आईडी, सबसे पहले चीज हमें यह याद रखनी है, आपने एक बार जब फाउंडिंग मेंबरशिप की जब पोजीशन चल रही थी, जब सब लोग अपनी आईडी को शेयर करके लोगों को फाउंडरशिप बना रहे थे, लोगों को फाउंडिंग मेंबरशिप बना रहे थे, फाउंडिंग मेंबर बना रहे थे, तो वो जो एक हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप की क्लोजिंग की डेट थी वो थी 22 जून 2022। जी हां, वो डेट थी, पहली डेट 22 जून 2022 जब हम अपनी बैक ऑफिस की लिंक को शेयर करके किसी भी व्यक्ति को हम फाउंडिंग मेंबर बना रहे थे, वो एक लास्ट डेट थी। उस लास्ट डेट को ये वाली कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी 22 जून 2022 को, आपको शायद याद होगा अगर आप शुरू से रहे होंगे तो। उसके बाद क्या हुआ, 22 जून 2022 के बाद क्या हुआ, जिनके पास पहले से अकाउंट रह गए, जी हां पेंडिंग अकाउंट रह गए, क्योंकि वो तो हमारी जो एक आईडी थी, जो एक रेफर आईडी थी वो तो खत्म हो गई, हम किसी को लिंक, जो हमारी लिंक थी, रेफरल लिंक थी, वो तो खत्म हो गई रेफरल लिंक, लेकिन जो उसमें अपनी आईडी को $97 से एक्टिवेट नहीं कर पाए थे उनकी पेंडिंग आईडी बच गई थी। अब उन पेंडिंग आईडी पर एक रिन्यूअल का बटन आ गया था, जिसको लेकर के हमने बहुत सारे लोगों की फाउंडिंग मेंबरशिप में ज्वाइनिंग करवाई थी, ओके, पेंडिंग आईडी में, ओके, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। वो जो दूसरी क्लोजिंग थी पेंडिंग आईडी वाली, वो थी 31 अक्टूबर 2022, आपको याद होगा बिल्कुल, अगर आप दिल से जुड़े हुए हैं सब कुछ याद होगा, 31 अक्टूबर 2022। इस डेट को पेंडिंग वाली जितनी भी आईडी थी, जी हां पेंडिंग वाली जितनी भी आईडी थी वो भी खत्म हो गई। अब यहां पर 31 अक्टूबर 2022 को सिंगल पेंडिंग आईडी जितनी भी थी वो भी खत्म हो गई, और 22 जून 2022 को जो पहले वाली क्लोजिंग थी वो भी खत्म हो गई। अब यहां पे लोगों के मन में एक सवाल ये आ रहा है कि क्या जो अगली, जो हमारी 22 तारीख आने वाली है या 21 तारीख आने वाली है जून के महीने में, क्या हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप की जो आईडी है ये डिलीट हो जाएगी? अगर हम इसको रिन्यूअल नहीं कर पाए तो क्या डिलीट हो जाएगी? ये एक सबसे बड़ा भ्रम, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में जो है आ चुका है, और ये डर कहां से आया है, कैसे आया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। अब एक तो डर ये आया है, दूसरी चीज ये है कि अगर हम रिन्यूअल नहीं कर पाए तो हमारे वॉलेट में पैसे ही नहीं है, तो क्या हमें अपनी जेब से भरना पड़ेगा? इस टाइप के कुछ सवाल लोगों के माइंड में आ रहे हैं और लोग मेंटली जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं और बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अब यहां पे बात करते हैं, ये तो रही आपकी डर वाली बात जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी, कंपनी ने हम सब लोगों से क्या क्या कहा था और क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले कंपनी ने क्या कहा था, हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप की जो वैलिडिटी है वो एक साल की है, ओके, एक साल की है, और लास्ट ईयर ऐसे ने कहा था कि हमारे फाउंडिंग मेंबरशिप की जो वैलिडिटी है वो 1 सितंबर से शुरू होगी,
1 सितंबर से शुरू होगी, क्योंकि इसके अनुसार देखा जाए तो हमारा जो एक एक्सपायरी जो डेट है वो 31 अगस्त है। ओके, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर 1 सितंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 31 अगस्त जो आने वाली है अब 2-3 महीने बाद, वो हमारी लास्ट डेट होगी। लेकिन उससे भी पहले एक क्वेश्चन और है दिमाग में, अभी बिजनेस प्रॉपर रूप से शुरू नहीं हो पाया है। जी हां, इस बात को देखें, ये जो फाउंडिंग मेंबरशिप की जो 1 साल की जो वैलिडिटी हम लोगों को बताई गई थी, ये एसएन ने कहा था कि 1 साल की है, वेरी गुड, और ये आपकी 1 साल की शुरू हो जाएगी, वेरी गुड, सब कुछ याद है। लेकिन आपके जिस दिन से ये वैलिडिटी शुरू होगी उस दिन से आपका बिजनेस भी प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो जाएगा, आपके वॉलेट में पैसे आने लगेंगे, आपके वॉलेट में कमीशन आने लगेगा। ओके, लेकिन अब देखो बीच बीच में जो है बहुत सारी परेशानियां हम लोगों को आई, पेमेंट गेटवे को लेकर के और भी बहुत सारी अड़चनें आई, जिसको लेकर के अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी बिजनेस, अभी हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉपर रूप से अभी इस दुनिया में नहीं आ पाया है, प्रॉपर रूप से नहीं चल पाया है। अभी बहुत सारे कस्टमर तक जिस तरीके से प्रॉपर रूप से जो दूसरे डिजिटल बिजनेस है उस तरीके से अभी नहीं चल पा रहा है। चल पा रहा है क्या? नहीं चल पा रहा है। अगर चल रहा होता तो हम सब लोग आज अच्छी तरीके से इनकम ले रहे होते, अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, लेकिन नहीं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं, तो अभी प्रॉपर रूप से बिजनेस नहीं चल पा रहा है, एक चीज याद रखनी है। दूसरी चीज यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा हमारे वॉलेट में नहीं आया है। अगर हम बात करें जिन लोगों ने ऑलरेडी टीम बना के रखी हुई थी, उन लोगों तो आ चुके हैं, लेकिन जो सिंगल फाउंडिंग मेंबर है उनके तो नहीं आए हैं, क्योंकि उनको भी तो रिन्यूअल करने की जरूरत पड़ेगी, उनकी भी तो फाउंडिंग मेंबरशिप की आईडी है, वो भी तो आप भी तो रिन्यूअल करोगे। अगर आप एक सिंगल फाउंडिंग मेंबर हो तो आपके वॉलेट में तो पैसा आया नहीं, आप कैसे करोगे? अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है, कंपनी ने हमसे हमेशा से क्या कहा है कि हमें अपनी पॉकेट से सिर्फ 2 बार ही पैसा देना है, फाउंडिंग मेंबरशिप में और अपने सब्सक्रिप्शन में, और उसके बाद हमें अपनी लाइफ में कभी भी पैसा नहीं देना है, किसी भी चीज के लिए नहीं देना है, चाहे प्रोडक्ट परचेस करना हो, चाहे प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन लेना हो, और चाहे और किसी मकसद से हमें पैसा खर्च करना हो, लेकिन हम अपने पॉकेट से नहीं देंगे। जो कुछ भी देंगे, 1 रुपया देंगे, $1 देंगे, वो हम अपने कमीशन से देंगे। ओके, अब यहां पे आपका जो टेंशन है वो मैं आपका खत्म कर देता हूं। सबसे पहली चीज, हमारी 1 साल की जो वैलिडिटी है, अगर एस बुफारे सर ने पिछले साल हमारा जो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका था ओ कनेक्ट का, अगर उन्होंने कह भी दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहां पर 31 अगस्त तक वैलिडिटी वैलिड है। 31 अगस्त तक हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप की आईडी पर कोई भी आंच नहीं आने वाली है। दूसरी बात यह है, अगर ये एक्सपायर हो जाता है, अगर इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, तो उससे पहले एस मुफारे सर कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम जरूर करेंगे कि हमारे वॉलेट के अंदर पैसा आ जाए, हमारे वॉलेट के अंदर ओ कॉइन्स आ जाए, और उस ओ कॉइन के आने के बाद हम अपनी फाउंडिंग मेंबरशिप की जो एक नई वैलिडिटी होगी उसको हम रिन्यूअल कर सके, इस बात को समझें। और अगर यहां पर कंपनी को ऐसा लगता है कि अभी बिजनेस प्रॉपर रूप से स्टार्ट नहीं हो पाया है, तो यहां पर हमारी जो 31 अगस्त को जो वैलिडिटी खत्म होने वाली है 1 साल की, वो खत्म नहीं होगी। क्यों खत्म नहीं होगी? उसका एक रीजन है ना, सिंपल सा रीजन है, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हमारे वॉलेट में पैसा नहीं है, हमारे वॉलेट में पैसा नहीं है। और अगर ये खत्म होगी तो उससे पहले निश्चित रूप से हमारे वॉलेट के अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा, भले ही चाहे एस मुफारे सर अपनी तरफ से डालें या बिजनेस कोई भी मैटर हो, कोई भी तरीका हो, लेकिन हमारे वॉलेट के अंदर पैसा जरूर होगा, जिससे कि हम अपने सब्सक्रिप्शन को बाय कर सके। और दूसरी बात यह है, अभी जिस तरीके की आपके माइंड के अंदर ये जो सब्सक्रिप्शन को रिन्यूअल करने की, फाउंडिंग मेंबरशिप की आईडी डिलीट होने की जो एक डर है, और ये बहुत सारी जो डर आपके माइंड में जो आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं जो दूसरे जो अनवांटेड पर्सन है ना, जो हमेशा से ही ऑन पैसे को लेकर के उल्टी सीधी वीडियो बनाते रहे हैं, हमेशा से ही लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में हमेशा से उल्टे सीधे सवाल पैदा करते रहे, ये वहीं से ही निकल के आ रहे हैं। और अगर वो इस टाइप के सवाल करते हैं, तब हमारे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि उन्होंने जब आईडी परचेज की थी तो उन्होंने इधर उधर से पैसा लिया है, और आज की डेट में उनके पास पैसा नहीं है, आज की डेट में नहीं है, और इसलिए वो घबरा जाते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कैसे करेंगे। उनको आईडी खोने का जो है डर लग जाता है, क्योंकि दूसरे जो ऐसे कुछ अनवांटेड पर्सन हैं जो हमेशा से ही ऑन पैसिव के बारे में
गलत सलत वीडियो बनाते आ रहे हैं, उल्टे सीधे बातें बताते चले आ रहे हैं, तो उनकी बातें सुन सुन के इनके दिमाग में अंदर क्वेश्चन भर जाते हैं। तो यहां पे मैं आपके डाउट को पूरी तरीके से यहां पर क्लियर करने वाला हूं और शायद आपका क्लियर हो भी गया होगा। 31 अगस्त 2024 हमारी ये लास्ट डेट है फाउंडिंग मेंबरशिप की। अगर ये लास्ट डेट होगी तो उससे पहले रिन्यूअल का मैसेज भी हमारे पास जरूर आ जाएगा, और रिन्यूअल का अगर मैसेज आता है तो हमें उसको रिन्यूअल किस तरीके से करना है वो भी एस मुफारे सर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। तो जो भी होगा वो हमें उसी टाइम रियल टाइम में पता चल जाएगा। फिलहाल आपको एक ही बात याद रखनी है, डिप्रेशन में जाने की क्या जरूरत है, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। हमारी आईडी इस दुनिया के अंदर किसी के अंदर ताकत नहीं है जो कि हमारी आईडी को डिलीट करवा दे या फिर रद्द करवा दे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ही कमी की वजह से हो सकती है, लेकिन यहां पे अभी कोई कमी नहीं है, अभी हमारा प्रॉपर रूप से बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो आप उसकी चिंता पूरी तरीके से आप छोड़ दीजिए, आप उसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, और आपकी आईडी कहीं पर भी नहीं जाएगी, आपकी आईडी डिलीट नहीं होगी। जो भी प्रॉपर सॉल्यूशन होगा वो एस मुफारे सर के माध्यम से हम लोगों को एग्जैक्ट टाइम में या उससे एक हफ्ते पहले या एक महीने पहले या 10 दिन पहले या 5 दिन पहले पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या होगा। ओके, और अगर ये जो कुछ भी होगा वो हमें रियल टाइम में वही पता चल जाएगा। अभी से ज्यादा स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और खास तौर से लास्ट में एक मैसेज और भी है, जी जितने भी ऐसे लोग हैं जो हमेशा से ही उल्टी सीधी वीडियो बनाते चले आ रहे हैं, अगर आप ऐसे उन लोगों की वीडियो को आप सुनते रहेंगे तो फिर ठीक है, आप सुनते रहिए, ये आपके दिमाग को कचरा कर रहे हैं, आपके दिमाग को ये बिल्कुल बेकार कर रहे हैं, आपके दिमाग से पूरी तरीके से ये जो एक पॉजिटिविटी होती है ना उसको हटा करके नेगेटिविटी आपको अंदर भर रहे हैं, पूरा कचरा भर रहे हैं आपके दिमाग के अंदर। तो आप ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दीजिए, कहीं ना कहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है दिमागी रूप से जो है कहीं आप विक्षिप्त ना हो जाएं, पागल ना हो जाएं। ओके, तो ये आपको अपने माइंड से पूरी तरीके से निकाल देनी है। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।